तो मुझे पूछना है सरकार से कि भाई चुनाव खत्म करो, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में। हम लोग जो है लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार लोकतंत्र को अपने पॉकेट में रखेगा, अपनी मरमर्जी करेगा। चुनाव आयोग पे अब आपका विश्वास नहीं रहा? कहाँ रहा, हमें तो विश्वास था चंचूर साहब पे भी, हमें CGI पे भी विश्वास था, उन्होंने भी, उनको भी बड़ा पैकेट मिल गया। मैं न्यायपालिका के खिलाफ भी बोल रहा हूँ, मैं न्याय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज ना न्यायपालिका रहा, ना हमारा चुनाव आयोग रहा, ना ED रहा, ना इनकम टैक्स रहा, ना CBI रहा, ना हमारा मीडिया है, ये सब के सब जनता को शोषण करने वाले और सरकार के पट्टों बन गया। तमाम चैनलों को धन्यवाद करते हुए 9 वर्ष की भारत के तमाम साथियों को शुभकामना। आज जंतर मंतर के अंदर, जंतर मंतर पे जहां जनता आवाज़ उठाती है, EVM को सरकार ने खिलौना बना दिया है, EVM को लोगों ने जो है जनता के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। EVM के मार्फत से अगर इनको सरकार बनानी है और माफिया और मीडिया और ये जो मनी 3M माफिया मीडिया और ये जो है ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, ये तमाम लोगों ने जिस तरह से EVM के सहारे देश को गुमराह कर करके जनता के अधिकारों को छीन करके और सरकार बना लेती है, वकीलों को और हमारे जनता को हमारे जंतर मंतर पे आके कहना पड़ रहा कि आप EVM हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लोग सबूत देना चाहते हैं, मानने को तैयार नहीं है। मैं इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ कि 19 लाख EVM मशीन जो गायब है वो कहाँ गया, जो EVM मशीन टूट गई है रिपेयरिंग के लिए गया है वो कहाँ गया, तो ये जवाब नहीं देते। EVM में दिक्कत यह है कि ये मनमर्जी अपने तरीके से, मैं मानता हूँ कि उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है और चिप नहीं है, लेकिन ये मनमर्जी उसमें सेटिंग करते हैं, EVM की चोरी करते हैं और जहाँ पे स्टोर रूम में होता है वहाँ पे वो EVM मशीन को बदल देते हैं। मेरा मांग है कि अगर EVM से चुनाव कराते हैं तो उसके अंदर पर्ची भी होना चाहिए, जिस तरह से हमारा मॉल में, हमारा मेट्रो में हमें QR कोड मिलता है, आप उस तरह से पर्ची का उसमें व्यवस्था कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, इलेक्शन कमीशन जो एक NGO है लेकिन वो सरकार के पक्ष में जा कर के वो आवाज़ देती है, वो काम करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जनता के जो अधिकार है, जो मोदी का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, बाबा अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, हमें संविधान दिया, संविधान को इन लोगों ने तार तार कर दिया है, संविधान को इन लोगों ने बेच दिया है, संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। और जब संविधान ही ना रहा तो हमारा लोकतंत्र कहाँ रहेगा, और जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश कहाँ होगा। तो देश आज इन लोगों ने अपने बकौती बना दिया है, यही दोगलापन है कि बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आया हूँ, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भारत के अंदर मानवाधिकार है, ये बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद नफरत की राजनीति नहीं होती, लेकिन जब देश में रहते हैं तो सिर्फ इनको सिर्फ मंदिर नजर आता है, सिर्फ नफरत नजर आता है और मानवाधिकार नहीं दिखता। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि ये दोगलापन आप छोड़ दीजिए, अगर आप OBC के से आते हैं, चाय बेचा है अगर आपने, तो आप ये अयोध्या के अंदर आप पुरोहित बनिए, आप यजमान क्यों बन रहे हैं। तो ये आप EVM को खरीद करके, EVM को अपने कब्जे में लेकर के आप 400 पार बिना चुनाव का कह रहे हैं, तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है।
मेरा कहना चुनाव की क्या जरूरत है, आप इलेक्शन कमीशन खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। जैसे चाइना के अंदर और रशिया के अंदर वो 36 साल शासन कर रहे हैं, तुम भी अपनी मर्जी करो। हम तो गुलाम 1500 साल से हैं, आज हैं, कल भी रहेंगे। हमें गुलाम रहने का एक आदत पड़ गई है, लेकिन हमें क्या करना। लेकिन देश के तमाम बड़े पार्टियां तो ईवीएम को लेकर के कुछ ऐसा बयान तो नहीं दे रही है ना भैया। बड़ी पार्टियां चोर चोर मसोरे भाई हैं, एक ही ताली के थच्चे बट्टे लोग हैं। वो लोग भी नफरत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना की बात नहीं कर रहे। वो लोग ईवीएम चाहते हैं कि जब मैं जीत गया तो मैं जीत गया, हार गया तो ईवीएम का जरा सा ठीकरा फोड़ दिया। तो अंगूर मिल गया तो जो है मीठा है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। सवाल यह है कि हमारे जनता का जनता तो हमारे साथी कह तो रहे हैं कि 50 ईवीएम दो, हम आपको चेक करके दिखा देते, हम बता देते, क्यों नहीं दे रहे हैं। वो प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना जब हम आप ईवीएम आपके पास है, 19 लाख ईवीएम गायब आपने कर दिया, 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जला दिया। अरे ला के दिखाओ, रखो जंतर मंतर पे, बताते हैं कि उसमें क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। तो वो जो पार्टियां जिनको बुलाया, जिनको वो बुलाते हैं, वो अपने ही साथी को बुलाते हैं। वो डॉक्टर दुआ को बुलाए ना, फिर बताते हैं उनको। वो बुलाते हैं उन्हीं को जो उनके लोग हैं, उनके इर्द गिर्द और चमचे लोग हैं, जयचंद लोग हैं, उनको बुला करके और कहते हो गया। कांग्रेस और एनडीए दोनों चमचे हैं, दोनों एक ही ताली के छट्टे बट्टे हैं, दोनों जो है मनुवादी हैं, दोनों ने देश को लूटा है। हमें इन सब से निजात चाहिए और नौजवान और नए समीकरण के साथ हमें देश को बचाना होगा। वो हैं ही सारे, सब उन्हीं में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए विरोध नहीं कर रहे। देखिए जर्मन में, जापान में, इंडोनेशिया में, जिस भी देश की बात करें, जहां ईवीएम इजाद हुआ वहां पे एक जनता ने आवाज उठाया कि ईवीएम गलत है, वहां ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं भी पार्टी का एक अध्यक्ष हूं, और मैंने कहा कि आप एफिडेविट दो, अपनी वादा जो क्या है उसकी लिखित में दो, और करोगे और नहीं करोगे तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आपका चुनाव पे जो है बंदिश हो जाएगा। ये हर पार्टी कहे ना, है ताकत तो कहे, आए दुआ के सामने। लेकिन ये सब चमचेगिरी, जो जयचंद लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये जो बिके हुए लोग हैं, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ईवीएम से देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि ईवीएम में जो स्थिति रही अभी 5 राज्यों का जो चुनाव था उसमें आपने देखा कि 15,000 ईवीएम गायब हो चुकी थी। चुनाव खत्म होने के बाद कानपुर में ईवीएम के स्टोर में आग लग गया, ठीक है, वीवीपैट का मिलान नहीं हो पाता है। ये जो स्थितियां हैं ये दर्शाती हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा घपला और गड़बड़ है। इसलिए ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। जिन कंट्रियों ने बैलेट पेपर इसको जो है ईवीएम को जन्म दिया, उन लोगों ने बैलेट इन ईवीएम को हटा दिया। तो फिर भारत तो नहीं दे पाए सर, सबूत तो दे नहीं पाए कुछ। अरे सबूत क्यों नहीं है, सबूत तो बार बार पेश किया जा रहा है। सबूत तो यही है कि सब जो है ईवीएम में गड़बड़ी है यार, की हार की बौखलाहट तो नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हार की बौखलाहट नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग नहीं मानता इन बातों को, चुनाव आयोग ना माने, चुनाव सरकार के पक्ष में काम कर रहा है।